दोस्तों नमस्कार, आप सभी को अरुणभूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। अरुणाचल का इतिहास में पहली बार ऐसे होगा जो डिप्टी सीएम को जो है पोर्ट उसका जो है डेथ एनिवर्सरी यहां पर टेनिस कोर्ट में मनाया जा रहा है। दरअसल जो यहां पर उसका डिप्टी सीएम यानी चोनामेन का जो पोर्ट एनिवर्सरी जो मना डेथ एनिवर्सरी मना रहा है ऑल अरुणाचल ट्राइबल रूरल पंचायत रेस्टोरेशन आंदोलन कमेटी, ये लोग जो है यहां पर जो है आप देख सकते हैं जैसे कि ये लोग अपना जो है जो कंडोलेंस देता है या फिर जो मैसेज दे रहा है उसके बाद जो उनका डेथ एनिवर्सरी को यहाँ पर अनोखे ढंग से मनाया जा रहा है। इसके पीछे कारण क्या है, जो उनका कहने का मुताबिक ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर दरअसल एक वो है लैंड पोजिशन सर्टिफिकेट है एलपीसी, क्योंकि एलपीसी को जब हम लोग कहते हैं तो अलॉटमेंट को सरकार की तरफ से कैंसिल किया जा सकता है, लेकिन एलपीसी जो होता है ये एक तरफ से परमानेंट एक लैंड को जो है सर्टिफिकेट डीसी की तरफ से या फिर लर्सो की तरफ से इसको परमानेंट जो है एक से पोजीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये जो आंदोलन कमेटी के मुताबिक ये बता रहा है कि जो यहाँ पर मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा अगर आप दिखाएंगे तो ये सर्टिफिकेट है यहाँ पर जो है NG7 मेन यानी उनका वाइफ है, उनका वाइफ के डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये बता रहा है कि उनका पति का नाम यानी ले चोनामेन यहाँ पर बताया जा रहा है, ये विलेज ऑफ नमसाई। यहाँ पर ये सोचने वाला बात है और कमेटी का ये कहना है अगर चोनामेन 4 साल पहले अगर गुजर चुका है यानी डेथ हो चुका है तो अभी जो अरुणाचल को डिप्टी सीएम कर जो राज कर रहा है ये कौन चोनामेन है, ये उनका सवाल है। पुर्ती सीएम जो चोनामेन है उनका जो है पोर्ट डेट एनिवर्सरी है ये अनोखा है और सवाल यही है कि अगर चोनामेन 4 साल पहले मर गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट ये बताता है कि 4 साल पहले चोनामेन का डेथ हो चुका है, तो ऐसे में अरुणाचल को अगर डेप्यूटी सीएम बनकर जो राज कर रहा है ये कौन चोनामेन है, ये आंदोलनकारी का सवाल है। अभी हम लोग उनसे सीधा जानते हैं कि आज यहाँ पर जो है पोर्ट डेट एनिवर्सरी रखने का उनका मकसद क्या है और ये किस बात को लेकर के चोनामेन से बिर रहे हैं और चोनामेन को जो है डिप्टी सीएम पद से हटने के लिए बात कर रहे, सीधा हम लोग उन्हीं से जानते हैं। चलिए सबसे पहले आपका नाम। मेरा नाम जेम्स टेवे कामदर है, मैं ये ओवरांचो ट्राइबल रूरल पंचायत रेस्टोरेशन आंदोलन कमेटी का सेक्रेटरी है। आज यहाँ पर सबसे अनोखा ये है कि क्योंकि हम सब जानते हैं अरुणाचल के लोग कि चोनामेन जो है अरुणाचल प्रदेश सरकार का डिप्टी सीएम है, साथ ही साथ वो जो है फाइनेंस के भी मिनिस्टर है, लेकिन आप लोग यहाँ पर अनोखा तरीके से यानी उनका पोर्ट डेथ एनिवर्सरी मना रहा है, ये किस कारण से आप लोग जो है चोनामेन को जो है मृत यानी डेथ घोषित कर रहा है? ये मैंने ये बोला कि ये एक अजीब और गजीब कहानी है, तो मैं भी आज तक जानता है कि मेरा स्टेट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर चोनामेन है और हमने 2021 में एक आरटीआई का जरिया लैंड प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट को नमसाई में फाइल किया डीसी का ऑफिस में, तो उस फाइल में से हमको ये डॉक्यूमेंट्स मिला है जी। ये आप लोग अभी देख रहा है नंग सिटी मैन वेप ऑफ लेथ चोनामेन, ये 2018 का 21 जून 2018। तो मैं भी अभी बहुत शॉकिंग की बात है कि ये जिस आदमी को हम करप्शन का ऊपर में यहाँ रिमूवल एमएलए रिमूवल के लिए भाग रहे आज इनका डॉक्यूमेंट यहाँ डेथ बन के आ गया, ये मेरा लिए भी एक शॉकिंग की बात है। तो ये भी हो सकता है ना, ये चोनामेन जो अब यहाँ पर दिखा रहा है ये अलग चोनामेन भी तो हो सकता है, जो ये कागज़ जो एलपीसी का जो कागज़ है ये अलग चोनामेन भी तो हो सकता है। तो मैं भी अभी ये बोल रहा हूँ जब 1995 में उसने सेकेंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन में कैंडिडेट आया तो उस समय में उसका पिताजी जो चोपोक मैन था तो उसमें वेद चोपोक मैन भी कहा था उसका पिताजी को, तो अभी ये चोनामेन है। तो जब 2019 का जब बारे आया मैंने बाहर में आपको डॉक्यूमेंट टंगा के रख दिया, 2019 में उसका एसटी सर्टिफिकेट आया वेद चोपोक गोहाई, तो मैं भी आज ये सवाल पूछता है जब चोपोक मेन का बच्चा चोनामेन मर गया तो अभी ये 2019 का जो एसटी का रिकॉर्ड का हिसाब से चोपोक गोहाई का बच्चा चोनामेन को हम जल्द से जल्द यहाँ से अपना असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन से इस्तीफा दो और स्टेट गवर्नमेंट से मांग है आप रिमूवल कीजिए, और साथ ही साथ में ये भी दरख्वास्त करना चाहता है कि हमारा स्टेट की चीफ सेक्रेटरी सर को देखिए, आप एक आईएएस ऑफिसर है, आपका ऑफिस में हमने मेमोरेंडम सबमिट किया, चार्टर ऑफ डिमांड सबमिट किया, आपने देखा है ना देखा है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि आपका पास में हमने एविडेंस प्रूफ भेजा, आप एक आईएएस ऑफिसर हो के यहाँ एक अंडर मैट्रिक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट का
जो लीडर का बात को आप सुनते रहने से हम लगता है कि आपका आईएएस ऑफिसर बनने का मतलब ही नहीं है। तो मैं इसलिए दरख्वास्त करता है हमारा चीफ सेक्रेटरी साहब, आप अपना कार्रवाई कीजिए, और गवर्नर साहब आप अपना कार्रवाई कीजिए, चौनामैन का कुर्सी को जल्द से जल्द यहाँ से हटा दीजिए। अभी जिस चौनामैन जिंदा है वो जो चोपो गोहाई का बच्चा है, वो चोपो गोहाई जो असमी ट्राइब से बिलोंग करता है, वो असम का है, मैंने बाहर आपको तांगा के रख दिया, वो ताई अहोम से बिलोंग करता है, वो सद्या कुआ गोहाई है। हमारा ये नमसाई का जो ताई सिंगपो डेवलपमेंट सोसाइटी ने प्रेस ब्रीफिंग करके क्यूआर कट रिपोर्ट दे दिया कि वो एक सद्या कुआ गोहाई है। तो सद्या कुआ गोहाई मीन्स हो ताई अहोम का ट्राइब में है। तो मैं इसलिए बोलता है हमारा स्टेट का चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी, एक्सीलेंसी गवर्नर, तीनों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जल्द से जल्द ये चोपो गोहाई का बेटा चौनामैन को इस पद से रिमूवल कीजिए। तो आप लोग धरना नहीं करके भी जो अगर ये प्रोक्सी कागज में अगर अरुणाचल को चला रहा है तो आप लोग इसको कोर्ट में भी तो जा करके अपना केस दर्ज कर सकता है? कोर्ट में हम केस पुलिस में भी तो एफआईआर लॉज करा सकता है कि ये इसका डॉक्यूमेंट जो है प्रोक्सी है और ये गलत तरीके से अरुणाचल में बेच रहा है, ऐसे आप एफआईआर भी तो लॉज कर सकते हैं। यहाँ में देखिए आप अभी कोर्ट में जाए, आप सुबह सुबह यहाँ से एक टीम निकला है हमारा मुख्यमंत्री का ऊपर में, उसका अभी कोर्ट में केस चल रहा है, सुनने में आया 3 times पोस्टपोन किया है। जिसका पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। तो हम जनता से उम्मीद करता है हमें पैसा का अदालत में नहीं चाहिए। कानून का प्रक्रिया मुताबिक आपको तो एफआईआर लॉज करना चाहिए आपका, मतलब मुताबिक अगर आपको कानून पे भरोसा नहीं है या फिर कोर्ट पे भी भरोसा नहीं है तो, लेकिन आप अपना काम को तो कर सकते हैं एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया कि आपको एफआईआर लॉज करना चाहिए हिसाब से पुलिस में। उस बात से ये है कि हम लोग ने अभी डेमोक्रेटिक मूवमेंट शुरू किया है, कल परसों एफआईआर पेपर रेडी हो रहा है, ज़रूर देगा SIT, SIC, SP, DIG तक हम लोग देगा, पेपर रेडी है अभी, अभी कल परसों हम लोग दे देगा। अभी हम लोग का ये है कि डेमोक्रेसी मूवमेंट को हम लोग आगे करवेगा ताकि चौथा चीज़ में उसको सोल्यूशन करें, स्पार्क निगवेटेड तो बर्न द हाउस हो ना हो सके, वो सोच के हम लोग ने यहाँ 5 दिन का पीसफुली धरना बैठ रहा है। तो जेम्स ये भी तो एक है कि जब डॉक्यूमेंट इसका उल्टा पुलटा है तो उस समय इलेक्शन कमीशन जो है अरुणाचल प्रदेश का इलेक्शन कमीशन, जब चौनामैन जो है MLA के लिए पेपर दर्ज किया होगा या फिर पेपर सबमिट किया होगा उसमें भी तो कागज़ उल्टा पुलटा था होगा, तो हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो इलेक्शन कमीशन है इसको क्यों एक्शन नहीं लिया होगा, क्या कारण रहा होगा? इसमें मैंने बाहर रखा हुआ मेरा चैप्टर ऑफ डिमांड में है, वहाँ का जो ERO डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर को हम इमीडिएट रिमूवल करो बोल के डिमांड मांगा हुआ है, क्योंकि ये कारण है, सिर्फ चौनामैन बोल के नहीं है, चौनामैन का डॉक्यूमेंट तो पुरजारी है, साथ ही साथ पंचायत में भी है, आपका 3 में 5 में से 3 APST है, 2 नॉन APST है, ग्राम आपका सरासर 98% नॉन APST है। इसलिए हमारा चैप्टर ऑफ डिमांड में इंक्लूड है नामसाई डिस्ट्रिक्ट का ERO इलेक्शन ऑफिसर को, DC को तुरंत अरेस्ट कीजिए, वो हम लोग का डिमांड में है, अभी इसका जरिया से हम लोग यहाँ बैठ रहा है। चलिए, सबसे अनोखा बात यह है कि चौनामैन का जो कागज़ जो ये आंदोलनकारी ने जो कागज़ निकाला हुआ है इसमें ये बता रहा है कि हर साल जो ये अपना ST या फिर PRC में अपना नाम को बदलता है, तो अभी हम लोग इनसे जानते हैं ये सबसे पहले कौन सा आप बताइए थोड़ा सा। ये PRC है, अच्छा 2001 का है, EWMEN उनका मतलब पिताजी का नाम है ये। ये पिताजी का नाम है चोपो चौनामैन, अच्छा लेट ई द लू मैन, ये पिताजी का नाम। चलिए आगे, ये असेंबली में जो फाइल किया है जी, इसका भी नाम देखो चोपो गोहाइन, ये एक है, अभी जी। दो नाम हो गया। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, ये है, ये 1995 का है, ST है जी, लेट चोपो मैन, हाँ चोपो, तीन नाम हो गया, और मतलब पिताजी का नाम अलग अलग हो रहा है। हाँ, पिताजी का नाम अलग। चलिए चलिए, और ये है लेट चोपो गोहाइन एरेड मैन जी, ये चार नाम हो गया, चार नाम हो गया, दोनों को जोड़ दिया। ये कौन से ईयर का है? ये 2009 का, ये 2009। चलिए, और ये है 2017 का, ये एक लैंड डेवलपमेंट का डॉक्यूमेंट जी, यहाँ ने जिंदा कर दिया श्री पोक गोहाइन मैन, पिताजी यहाँ जिंदा हो गया, जिंदा हो गया। चलिए, फिर 2019 में या फिर मर गया जी, 2019 चोपो गोहाइन जी,
ऐसे है, और ये जी दूसरा खुद मुर्दा हो गया जी, खुद मर गया मतलब ये लैंड प्रोसेसिंग सर्विस कहते हैं उसका, मिसेस नंग सेती मेन, ये मिसेस का नाम है। हाँ, चलिए लेथ चोना मेन, चलिए तो ये है। यहाँ पर यहाँ बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, खासकर जो अरुणाचल प्रदेश के जनता के लिए, क्या नेता जो है अपना मनमानी जो है डॉक्यूमेंट बनवा करके MLA बनता है या फिर मिनिस्टर बनता है? ये बात को सबको समझना होगा। सच में अगर ये आंदोलनकारी ने अगर इस मुद्दा को उठाकर जो है अगर साबित करेंगे या फिर RTI के मुताबिक अगर ये निकाला है तो ये सोचने वाला बात है। खासकर पुलिस डिपार्टमेंट को, होम डिपार्टमेंट को, उसके बाद जो CBI होता है और अरुणाचल प्रदेश का जितना भी जो इंटेलिजेंस जो होता है, इनको इस चीज़ को संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक आदमी का पिताजी का नाम 3-4 बदले, या फिर एक आदमी का नाम जो है 1-2 बार बदले, या फिर इलेक्शन में अलग अलग नाम आता है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये साफ है कि अरुणाचल प्रदेश के जनता को गुमराह करने का काम यहाँ पर चल रहा है। अगर आंदोलनकारी के बात के मुताबिक अगर हम लोग कहा जाए, या फिर आंदोलनकारी ने जैसे कि RTI के मुताबिक जो डॉक्यूमेंट निकाला है कल को, यानी चोनामेन का ये डॉक्यूमेंट सच साबित होता है, तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के सरकार को सोचना होगा, अरुणाचल प्रदेश के जनता को सोचना होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक आदमी जो है अरुणाचल को गुमराह करके अरुणाचल प्रदेश में मंत्री के पद पे है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में MLA में बार बार जीतता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अलग अलग आता है, ये समझना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो आंदोलनकारी ने ये मुद्दा उठाया है ये कहाँ तक जाता है ये भी देखने वाली बात होगी। और खासकर यहाँ पर जो है जो उप मुख्यमंत्री चोनामिन को इस बात को संज्ञान लेना होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो अपने ही जनता को गुमराह करके यहाँ पर मंत्री के पद पर बैठा हुआ है। चलिए अभी सवाल यहाँ पर ये उठता है, जहाँ पर जो आंदोलनकारी का क्या कहना आप लोगों ने सुना, यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सच में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यानी चोनामेन जो है अरुणाचल के जनता को अगर गुमराह कर रहा है इस डॉक्यूमेंट के मुताबिक, जो आंदोलनकारी का ये कहना है कि वो कागज़ में जो है कभी कभी पिताजी का नाम भी अलग है, और कभी कभी जो हो उसको जो डेथ भी पाया जाता है, जैसे कि डॉक्यूमेंट उनको RTI के थ्रू से जो मिला है उसके मुताबिक ये बता रहा है, इसका मतलब ये साफ समझा जा सकता है कि जब इलेक्शन कमीशन जो है जब इलेक्शन कंडक्ट करता है अरुणाचल प्रदेश में, तो ऐसे में ये साफ होता है कि आप ST है या फिर PRC जमा होना पड़ता है, बर्थडे सर्टिफिकेट देना होता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होता है, आपको कितना आपका संपत्ति है इसको देना होता है, आपका पिताजी का नाम, माताजी का नाम, कौन सा गांव का है, सब देना होता है। सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि क्या इलेक्शन कमीशन जो है जब इलेक्शन कंडक्ट कराता है इन चीज़ों को क्या ध्यान नहीं रखता है? तो ये अपने आप में एक लोकतंत्र में एक छोट है कि ऐसी चीज़ों को अगर अनदेखा किया जाएगा तो आने वाला समय में ये समझा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश में कोई भी आकर के इलेक्शन जैसे प्रोसेस में भाग ले सकता है, तो ऐसे में आने वाला समय में अरुणाचल के लिए भी खतरा हो सकता है। लेकिन आज का सबसे बड़ा खबर यही है कि आंदोलनकारी का यही कहना है कि चोनामेन जो है पिछले 4 साल पहले जो है डेथ हो चुका है, जो कि डॉक्यूमेंट बता रहा है उसके मुताबिक ये बता रहा है। और अरुणाचल प्रदेश में अगर डेप्यूटी CM चोनामेन है तो वो कौन सा चोनामेन है, ये सीधा सवाल है। और इस चीज़ को देखना ये है कि अब चोनामेन इस पर जो है क्या प्रतिक्रिया अपना जो है जाहिर करता है प्रेस ब्रीफिंग करते हुए, या फिर इन लोगों को बात करते हुए क्या बात करता है, ये देखने वाली बात होगी। दर्शकों अब बने रहिए अरुण भूमि, लगातार हम आप लोगों के लिए खबरें पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।